मिरर मोजे काट तो ले लेते हैं डिफरेंट साइज के मिरर, पेस्ट करने के लिए ग्लू, फिलिंग के लिए वॉल पुट्टी, एक्रेलिक कलर और सनबोर्ड। तो मैं ले रही हूँ सर्कल, चाहे तो कोई और शेप भी ले सकते हैं। थाली या ट्रे का लुक देने के लिए एक स्ट्रिप्स ले लेंगे, नीचे का बेस के लिए सर्कल ले लेंगे। मेरी शीट थोड़ी सी पतली है तो मैंने दो सर्कल ले लिए। अब मैं ले रही हूँ मिरर, फैब्रिक ग्लू से लगाती जाऊंगी। वाओ, अच्छी सी डिजाइन बन गई। अब मैं ले रही हूँ वॉल पुट्टी, उसके साथ मिक्स करने के लिए एक्रेलिक कलर्स और वॉल पुट्टी में मिक्स करने के लिए पानी। वॉल पुट्टी और पानी को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को अलग अलग बाउल में निकाल देंगे और जो कलर हमें चाहिए वो कलर पेस्ट के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इस पेस्ट को मिरर लेवल तक फिल करते जाएंगे। सिंगल कलर भी ले सकते हैं, मेरे पास डिफरेंट कलर थोड़े थोड़े बचे हुए थे, मैंने वो ले लिए। तो मैंने डिफरेंट शेड लिए हैं, यहाँ पे आप अपनी चॉइस के कलर ले सकते हैं। पुट्टी को मिरर लेवल तक फिक्स करते जाएंगे, पानी से फिनिशिंग भी देते जाएंगे। अब ये ड्राई हो जाए उसके बाद थोड़ा सा गीला करके क्लोथ से क्लीन करते जाएंगे। जितने भी मिरर लगे हुए हैं उसके ऊपर क्लीन करना है, एक्स्ट्रा पुट्टी उसके ऊपर से हटानी है। एक्स्ट्रा पुट्टी हटाने के लिए ज्यादा मेहनत लग रही है। जब तक पुट्टी पूरी तरह से नहीं साफ हो जाती, क्लोथ को उसके ऊपर उतनी बार घुमाना है। अब ये मिरर पूरी तरह से क्लीन हो चुके हैं तो इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। काफी अच्छे लग रहे हैं कलर्स इसके। मैंने पहले येलो कलर, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, ब्लू और लास्ट में लाइट ग्रीन कलर लिया है। अब उसके ऊपर की किनारी जो है वो थोड़ी सी खाली लग रही है तो मैं यहाँ पे रेड कुंदन यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो छोटे वाले मिरर या कोई लेस डोरी भी यूज कर सकते हैं। तो रेडी है हमारी खूबसूरत सी थाली। अब मुझे उसको वाटरप्रूफ करना है तो मैंने ले लिया हार्डनर रेजिन। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके इसका कोट कर दिया। आप चाहे तो वॉर्निश भी यूज कर सकते हैं, मैंने हार्डनर रेजिन यूज किया इसमें। अब इसको अच्छे से सूखने देंगे तो एक ग्लास जैसा लुक आएगा। इसे आप राखी, दिवाली या किसी ओकेशन पे यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।